ये मोमबत्तियां जलकर बुझ जाएंगी, श्रद्धा में चढ़े फूल मुरझा जाएंगे, लेकिन स्वर मेरे तुम दल कुचल ना सकोगे, मैं भारत की बेटी हूँ। नमस्कार, मैं साक्षी त्रिपाठी खबर विभाग में आप सभी का स्वागत करती हूँ। और आज हम बात करेंगे एक बेहद ही गंभीर विषय के बारे में जो बेहद ही आम हो चुका है। ये विषय जितना ही गंभीर है उतना ही आम हो चुका है। कोलकाता की बेटी की सिसकियां अभी शांत भी नहीं हुई थी कि इंदौर के MY अस्पताल से महिला सुरक्षा पर बड़े सवाल खड़े करते हुए एक घटना सामने आ गई। सवाल यही है कि महिला सुरक्षा को लेकर कितने सख्त नियम हैं और आखिर नियम क्या क्या हैं? आखिर क्यों इन अपराधियों को किसी भी कानून का डर नहीं है, क्यों ये इतने बेखौफ होकर ऐसी हरकतें करते हैं? डॉक्टर्स की सेफ्टी को लेकर भारत का नियम कहता है कि अगर कोई भी व्यक्ति किसी भी चिकित्सक संस्थान का कर्मचारी है, वो अगर ऑन ड्यूटी है, चाहे वो एम्बुलेंस में हो, क्लिनिक में हो, हॉस्पिटल में हो, अगर वो ऑन ड्यूटी है और उसके साथ किसी भी प्रकार की बदतमीजी, धमकी, उस पर हमला, ऐसी गतिविधियां होती हैं, तो कम से कम 3 महीने की सजा, 10,000 रुपए जुर्माना या फिर दोनों साथ में भुगतना पड़ सकता है और ऐसे अपराध दंडनीय और गैर जमानती होंगे। लेकिन हैरानी की बात यह है कि इन नियमों के बावजूद अपराधी नियमों को ताक पर रखकर अपराध कर रहे हैं। हाल ही में इंडियन मेडिकल एसोसिएशन ने एक सर्वे किया। इस सर्वे में जो बात सामने निकल कर आई वो बेहद चौंकाने वाली है। सर्वे में 20 से 30 वर्ष की आयु के लोगों को शामिल किया गया और इस सर्वे में डॉक्टर्स ने सुरक्षा को लेकर बड़ी बातें कही। इनमें से अधिकतर डॉक्टर महिलाएं थीं। 24% डॉक्टर्स ने कहा कि वो अस्पताल में ड्यूटी के दौरान असुरक्षित महसूस करते हैं। वहीं 11.4% डॉक्टर्स ने कहा कि वो ड्यूटी के दौरान अत्यधिक असुरक्षित महसूस करते हैं। इस सर्वे में जो सबसे बड़ी बात निकल कर सामने आई वो ये है कि 45% डॉक्टर्स का खुद का ड्यूटी रूम नहीं है और जिनके पास ड्यूटी रूम है भी तो वो भीड़ भाड़ वाला है, वहाँ पर प्राइवेसी नाम की कोई भी चीज नहीं है। कई कई ड्यूटी रूम्स में तो वॉशरूम की सुविधाएं भी नहीं है, जिसके चलते डॉक्टर्स को रात में बाहर जाना पड़ता है, जिससे उनकी सुरक्षा पर बड़े सवाल खड़े होते हैं। इस सर्वे के माध्यम से ये भी बात सामने रखी गई कि आखिर डॉक्टर्स की सुरक्षा कैसे की जाए, वो क्या चाहते हैं। डॉक्टर सेफ्टी को मद्देनजर रखते हुए डॉक्टर्स का कहना था कि हॉस्पिटल में हर जगह सीसीटीवी कैमरा उपलब्ध होना चाहिए, सीसीटीवी कैमरा सही कंडीशन में हो, हॉस्पिटल की कोई भी जगह हो वहाँ पर भरपूर मात्रा में रोशनी की उपलब्धता होनी चाहिए। और इसके साथ ही साथ सबसे बड़ी बात जो सामने निकल कर आई वो ये है कि हॉस्पिटल में जो गार्ड्स होते हैं वो ट्रेनी नहीं होते, तो हॉस्पिटल में ट्रेनी गार्ड्स का होना बहुत जरूरी है। इसके साथ ही साथ डॉक्टर एसोसिएशन ने डॉक्टर्स की सुरक्षा के लिए केंद्रीय समिति गठित करने की मांग भी की। वहीं अगर हम बात मध्य प्रदेश की करें तो मध्य प्रदेश में मेडिकल टीचर एसोसिएशन ने प्रदेश में ही डॉक्टर सेफ्टी के लिए एक अलग एसोसिएशन बनाने की मांग की है। अब सवाल यही है कि नियम कायदे कानून तो पहले भी रहे हैं, उसको और भी सख्त किया जाएगा, पहले भी सख्त किया गया था, लेकिन कब वो दिन आएगा जब हमारे देश की बहन और बेटियां बेखौफ होकर रात में ड्यूटी कर सकेंगी? आखिर कब वो दिन आएगा जब हमारे देश की बेटी अपने वर्क प्लेस पर खुद को सुरक्षित महसूस करेगी? आज यहाँ पर बात डॉक्टर सेफ्टी की है, लेकिन कल को यही मुद्दा किसी अन्य विभाग से भी सामने आ सकता है। और सवाल यही है कि आखिर कब एक देश की बेटी बिना किसी डर के, बिना किसी भय के आधी रात को भी अपना काम सुकून से कर सकेगी? उस बेटी के माँ और बाप बेखौफ होकर चैन की नींद ले सकेंगे कि हमारी बेटी जहां भी है सुरक्षित है। महिला सुरक्षा के लिए आपकी क्या राय है? आपको क्या लगता है कि आखिर नियम कायदे कानून में क्या बदलाव होने चाहिए जिससे हमारे देश की बहन बेटियां और सुरक्षित महसूस कर सकें? अगर वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर करें और हाँ, हमारे चैनल को फॉलो और सब्सक्राइब करना ना भूलें।